नमस्ते दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आप लोग पूछ रहे थे आप कहाँ हो कहाँ हो, तो मैं बस्ती आई हूँ पूरे 6 महीने बाद। और कहाँ रहती हूँ ये तो अभी नहीं बताऊँगी, बस कुछ दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई थी तो मुझे घर छोड़ना पड़ा था। और अच्छा होता तो नहीं छोड़ती, आप लोगों को तो पता है बहुत कुछ शेयर किया मैंने आप लोगों के साथ। ज़्यादा शेयर करना अभी सही भी नहीं है। और आज मैं मतलब कल मैं गई थी अपनी माई के, और थोड़ा सा क्लिप मैंने रास्ते में शूट किया था, मैं उसको डाल दूंगी। और ये मेरा कमरा है, सब छीतर भीतर पड़ा है। ये देखो बैग वैग, ये इनके नाना दिए थे। ये बोरे में चावल रखा है, ले जाना है मुझे। और वहाँ से भी मैं चावल लेके आई थी, क्योंकि लड़कियों को हमारे वहाँ जो है खाली हाथ नहीं भेजते हैं। यहाँ पे आओ तो दिमाग मेरा बहुत अपसेट हो जाता है। इधर देखिए सामान रखा है, और बस वही पुराना घर मेरा। ऊपर घर मेरा काफ़ी अच्छे से पेंट हुआ है, और नीचे कुछ भी नहीं चली है, ना ही साफ करवाया गया है। पूरा घर पेंट हुआ है काफ़ी अच्छे से, 1 महीना पेंट करने में लगा है। मेरी वॉशिंग मशीन जैसे ही है, दीवार वाल देखो आप लोग कैसा है, पूरा उजड़ा पजड़ा है, उजड़े चमन बना हुआ है। अभी सुबह के बज रहे हैं 10, इन्हें कहा मैं डाल देती हूँ, आप लोग मेरा घर और ऐसे देखना चाहते हो तो। ये पीछे का है देखो, इधर तो ये गोदाम है, तो फिर ये तो बंद है, टीन सेट वाला है। और इधर हमारी गाय रहती थी, जहाँ मैं आप लोगों को दिखाती थी, गाय का काम करती थी। सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, सब कुछ पेड़ पेड़ भी इन लोगों ने अमरूद का कटवा दिया। और काटने के बाद देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, 6 महीने हो गया कटिंग। बहुत कुछ ऐसा हुआ घर में ना, कि मतलब कुछ बचा ही नहीं उन चीज़ों का नामो निशान। एक इंसान के जाने से बहुत कुछ फर्क पड़ा, ज्यादा फर्क पड़ा मेरे बच्चों पे। और ऊपर का भी मैं अगर शूट कर पाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। अगर मैं जाऊंगी ऊपर तो, वैसे मैं ऊपर ज्यादा जाती नहीं हूँ, बहुत कम जाती हूँ, मन नहीं करता है। हाँ, पूजा करने में गई थी, मैंने नाश्ता किया है, पराठा था, वो पता नहीं क्या उसमें पड़ा था, नमक का स्वाद आ रहा था और अजवाइन का, और तो कुछ आ नहीं रहा। बाहर जा रही हूँ, क्योंकि गलियारा है, और पिछले 4 महीने से इस गलियारे की लाइट जो है अब फ्यूज है, ये देखिए, पर किसी ने लगवाया नहीं है। आते ही मैं इतना तेज से गिरी कि मुझे इतना ज़्यादा चोट लगा था, कि मतलब ऐसे लग रहा था मेरा पेट फट गया। जहाँ ऑपरेशन हुआ मेरे ऐसे लगता था वो फट गया और मैं मर गई। मेरे होश ही नहीं था, आंखों के सामने अंधेरा हो गया था, ऐसा हुआ था। देखिए बाहर घर हमारा बहुत बड़ा है, गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पे, फोर व्हीलर एक यहाँ पे है, एक फोर व्हीलर यहाँ पे खड़ी है, दो दो फोर व्हीलर हमारे घर में है। ये हमारे घर का मेन गेट है, दरवाजा। यार घर के ठीक सामने बर्तन की दुकान है, बस ऐसे ही है। और ये जिस कलर का मतलब ये पेंट लगा है ना, ये क्रीमी क्रीमी सा है थोड़ा सा टेक्सचर, इसी कलर का मतलब पूरा घर पेंट हुआ है। बाहर को तो इन्होंने थोड़ा सा इसे पेंट करवाया है, ये बाहर का पेंट है। और मैं अपना घर ऐसे सामने से दिखाती हूँ आप लोगों को, बाहर मैं ऐसे आती नहीं हूँ। और ये बाहर से सीढ़ी लगी है, यहाँ से बाहर ऐसे मैं निकलती नहीं हूँ, लोग पल्ला करके निकलते हैं पीने में जाते थे। और इसमें मैं दुकान चलाती थी, इसमें सामान अभी मेरे कुछ हैं, कुछ सामान मैंने बेच दिया है,
जो ऐसे सामान थे मेरे काम के नहीं है, खराब होने वाले, उन सामानों को जरूर हटा दिया है। और वो किचन है, तो किचन में भी मेरा सामान मतलब वहाँ पे जो दरवाजा लगा है वहाँ पे, तो इसमें भी हमारा सामान है यहाँ पे। तो फिर उसको भी जो है हमने बंद कर दिया ताला। दो कमरे में यूज़ करती हूँ और सारे घर में मेरे देवर ने ताला लगाया हुआ है पूरे घर में। 11-12 कमरे हैं, सब में ताला लगाया हुआ है। है कुछ मैटर हमारे घर का, अभी नहीं, कुछ समय बाद में शेयर करूँगी क्या है क्या नहीं है। और ऊपर का चलते हैं देखते हैं, अगर सब लोग लेटे होंगे तो शूट कर लूँगी, क्योंकि ये हमारे घर में अलाउ नहीं है किसी को अपने वीडियो में लाना, तो इसलिए मैंने वीडियो कर मतलब बनाना ही छोड़ दिया था। पर जब उसी से मेरी रोजी रोटी चलनी है तो वीडियो ना बनाऊँ तो भी अच्छा है। और ठीक है, जैसा भी है ठीक है, ओके है, बस 1-8 साल की बात है, सब कुछ फुल फाइनल हो जाने जा। और ये मेरा नागवंशी फैमिली का सिल्वर प्ले बटन, ये देखो, मेरी मेहनत से ये आया था। ये मेरा कमरा है, बहुत सी यादें जुड़ी हैं इसमें, बहुत कुछ मैंने बर्दाश्त किया इस कमरे में। ये देखो मेरा कमरा, और ये है मेरा पीसी यहाँ पे रखा हुआ है, इसको भी मैं बेच दूंगी, लैपटॉप खरीदूंगी फिर बाबों के लिए। चलिए ऊपर का शूट करते हैं, ऊपर का मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, आप लोग देखना चाहते हैं ना। और ये हमारी सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने की, आप लोगों ने कई बार हमारे वीडियो में देखा होगा। तो ये देखिए सीढ़ी जहाँ तक, वहीं से टेंट स्टार्ट हुआ है, नीचे कुछ भी नहीं लगी है। और 1 महीने लगा पेंट करवाने में, पूरा घर एकदम ऊपर क्लीन हो गया, नीचे वैसे के वैसा पड़ा है, पर कोई नहीं, करवाएंगे। मैं तो नीचे 2 ही कमरा यूज़ करती हूँ, सारे कमरे में तो ताले बंद हैं, देवर ने बंद किया हुआ है। और ये धान फैला है और सब धान रखा गया, उस बगल भी धान फैला था, नीचे जो द्वारा है वहाँ पे भी धान फैला था। और ये पापा का रूम है, और पापा लेटे हुए हैं, और ये देवरानी का रूम है, उसमें वो सोई हुई हैं, और ये पापा हैं। और ये गेस्ट रूम है हमारे घर का, यहाँ पे गेस्ट लोग आके सोते बैठते हैं। किशन, नहाना धोना नहीं है? हाँ, मिनी स्कूल गई का हर्षित? ये है हमारा पूजा रूम, और तो सारे कमरे बंद हैं। और आगे मैंने दिखाया था पापा का कमरा, ये हमारा मंदिर है, देखो आप। ये मंदिर आया है खरीद के, पहले नहीं था, पहले तखत पे पूजा होती थी, जो नीचे वो तखत पड़ा है ना उसी पे होती थी। ये है आगे का छत, इस तरीके से घर है हमारा 2 मंजिला। ये देखिए आगे का ऐसे दिखता है, ये हमारे पड़ोसियों का घर है इधर इधर। और ये पता नहीं है मेरी देवरानी, बच्चे बच्चे सब बोए हुए हैं, सरसों तो सब सूख उख गया है पानी के बिना। ये देखो ये हमारे घर का गेस्ट रूम है, ये है किशन।
ये पापा जब रिटायर हुए थे तो मिला था। मैंने सिर्फ आज आप लोगों का अपना घर दिखाया, शेयर किया है कि नीचे क्या हालत है और ऊपर जो है घर मेरा पेंट एकदम एकदम फुल्ली फाइनल हुआ। तो सबकी अपनी अपनी सोच है, वो लोग ऊपर रहते हैं, हम लोग अलग नहीं हैं, अभी एक ही में हमारी जॉइंट फैमिली है, एक ही में खाना पानी होता है, कोई अलग नहीं है। दो बच्चे मेरे हैं, आप लोगों को पता है हस्बैंड की डेथ हो गई है जनवरी में, और पापा ऊपर रहते हैं, उनका परिवार ऊपर रहता है, दो ननद के बच्चे रहते हैं, नीचे से कोई मतलब नहीं रखते हैं, चाहे टूट जाए चाहे फूट जाए कुछ भी हो जाए, पर जल्दी ही इसका सलूशन मैं निकलवाऊंगी, क्योंकि ऐसे तो घर परिवार चलता नहीं है, आप लोगों को पता है ऐसे नहीं होता है किसी घर में। अगर आप जॉइंट फैमिली में हो तो हर जगह का आपको देखना होता है, आपकी जिम्मेदारी होती है, और मैं 6 महीने से यहाँ पे नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ इसका रीजन है, मैं आप लोगों को बताऊंगी डिटेल में, कभी अभी नहीं बता सकती, अभी बताऊंगी तो लड़ाई झगड़ा बहुत कुछ हो जाएगा घर में, पर अभी नहीं बताना चाहती, बताऊंगी मैं, टाइम आएगा सब कुछ शेयर करूंगी आप लोग के साथ। तो चलिए बने रहिए, आगे का अपडेट आप लोग को देती रहूंगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।